విషయాలు ఉన్నా దీనికి వచ్చేసి ధ్యాన దేనా సిఎంఏ ఇంటర్ గ్రూప్ టూ కంపెనీ అకౌంట్స్ అండ్ ఆడిట్ లాస్ట్ లెక్చర్ మే బైబ్యాక్ కమ్ అనే థియరీ అడ్వాంటేజెస్ ఆర్ కండిషన్స్ లిఖ్వాగే దియా థా ఆర్ ఉస్కే బాద్ ఆగే సో క్వశ్చన్ నంబర్ 23 అప్నే నోట్స్ మే 1.29 పేజ్ నంబర్ 1.29 క్యా దియా బేటా యహాన్ పే एक्स कंपनी बाय बैक इट्स ओन 2 लाख शेयर्स. अच्छा आप समझ में आए ये बाय बैक का क्वेश्चन है. एक्स कंपनी अपने शेयर्स बाय बैक कर रही है 2 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट पार. उसके बाद बोला है कंपनी हैज सफिशियंट प्रॉफिट अदरवाइज अवेलेबल फॉर डिविडेंड. इसका मतलब क्या मालूम है क्या? कंपनी के पास सफिशियंट फ्री रिजर्व है फॉर द पर्पज ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन. कंपनी के पास क्या है बेटा? सफिशियंट फ्री रिजर्व है. आगे No fresh issue of the share is made for this purpose. The shares are fully paid. Generalize the transaction. Okay. आ जाओ. Buyback का एक बार आपको थीम बता देता हूं. Buyback. कंपनी अपनी शेयर्स वापस खरीद रही है. मुन्ना प्लीज ध्यान देना. कितने शेयर्स वापस खरीद रही है? 2 लाख. एक शेयर का फेस वैल्यू कितना है? 10. कैसे बायबैक कर रही है? क्वेश्चन में पहले रो में लिखा है एट पार, मतलब 10 का शेयर कंपनी 10 में वापस खरीद रही है. एंड कंपनी के पास सफिशिएंट प्रॉफिट है. चलो देखो तो अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर बायबैक कितना है बेटा? 2 लाख शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 10, 20 लाख. सही बोल रहा हूं? सही लिखा बेटा. इसके अंदर में नॉमिनल वैल्यू कितना है रे मुन्ना? फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, कैपिटल, ओनरशिप. शाम तेरे कितने नाम? 1, 2, 3, 4. फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, ओनरशिप, कैपिटल, एक ही बात है ना. पार वैल्यू कितना बेटा इसमें? नॉमिनल वैल्यू 2 लाख शेयर्स इंटू ₹10, 20 लाख. और प्रीमियम ऑन बायबैक कितना है? प्रीमियम ऑन बायबैक 0, 2 लाख शेयर्स इंटू 0, 2 लाख इंटू 0 इज इक्वल टू 0, बराबर. उसके बाद आगे अब बायबैक के चलते यहां पे कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर कम हो गया. उन्हें सब लोग ध्यान देना अच्छे से. बायबैक के चलते कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर कम हो गया है. कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर कितने से कम हुआ रे मुन्ना? आ जाओ प्लीज ध्यान देना गाइस. आप सभी को मालूम है जब भी कोई कंपनी शेयर इशू करती है तो कैपिटल बढ़ता है. शेयर बायबैक करेगी कैपिटल कम होगा, शेयर इशू करेगी कैपिटल बढ़ेगा, बायबैक करेगी कम होगा, इशू करेगी बढ़ेगा, बायबैक करेगी कम होगा. यस और नो? इशू करते हैं तो कंपनी का कैपिटल बढ़ता है ना, बायबैक करेगी तो कम होगा. यहां इशू है, बायबैक है, बायबैक है, यानी कैपिटल स्ट्रक्चर बढ़ा है, कम हुआ? कम हुआ. जैसे ही कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर कम हुआ, जो थर्ड पार्टी क्रेडिटर्स है ना, जिन्होंने कंपनी को पैसे उधार दिए थे, उनके पेट में दुखना शुरू हो गया. थर्ड पार्टी क्रेडिटर्स क्या बोलेंगे? हे कंपनी सुन, हमने तेरे उस कैपिटल स्ट्रक्चर को देख करके तुझे पैसे उधार दिए थे, तू रातों रात वही कैपिटल स्ट्रक्चर कम कर रही है बायबैक के जरिए. और वैसे भी बायबैक किसका हो रहा है? इक्विटी शेयर्स का. इक्विटी शेयर होल्डर्स कौन है? कंपनी के ओनर. ये तो ओनर का पैसा वापस कर रहे हो तुम. पहले बाहर वाले का देंगे या ओनर का देंगे? बाहर वालों का. घर पे मिठाई आती है रसगुल्ला मेहमानों के लिए, पहले मेहमानों को खिलाते हैं उनके सामने, पहले हम ही खा लेते हैं. पहले मेहमानों को खिला देना, पहले बाहर वालों को खिलाना है. सो पहले थर्ड पार्टी क्रेडिटर्स का पैसा वापस करो, उसके बाद ओनर का पैसा वापस करना. कंपनी बोल रही नहीं लेकिन हम तो एज पर सेक्शन 16. अरे सेक्शन को साइड में रखो, हमको कोई लेन देन नहीं सेक्शन से, हम थर्ड पार्टी क्रेडिटर्स है, हमारा पैसा वापस करो. हमने जिस कैपिटल स्ट्रक्चर को देख के कंपनी को पैसा उधार दिया था, डिबेंचर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तुम बायबैक कैसे कर रहे हो? तुमने तो कैपिटल स्ट्रक्चर ही कम कर दिया. हमने जिस कैपिटल स्ट्रक्चर को देख करके तुमको पैसा उधार दिया था, तुम्हारा तो वही कम हो गया. नो, हमें हमारा पैसा वापस करो. तो कंपनी बोल रही है ठीक है, चिंता मत करो, तुमको ये कैपिटल स्ट्रक्चर कम हो गया उसकी वजह से बहुत तकलीफ हो रही है ना, चलो मैं कैपिटल स्ट्रक्चर को वापस
देती हूं, मैं कैपिटल स्ट्रक्चर को क्या कर रही हूं बेटा, वापस बढ़ा रही हूं। चलो देखो, मैं कैपिटल स्ट्रक्चर को बढ़ा रहा हूं बेटा, प्लीज ध्यान दे देना सब लोग। देखो मैं कैपिटल स्ट्रक्चर को वापस बढ़ा रहा हूं, कैपिटल स्ट्रक्चर को वापस बढ़ा रहा हूं, प्लीज ध्यान दे दे। आ जा बेटा, कुछ बच्चे बोल रहे हैं लैग हो रहा है, डोंट वरी, थोड़ा सा कीप ब्रीदिंग, रिलैक्स, हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। पिछले दो तीन दिन से ये जो ऐप है, भारत में जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट यूज कर रही है वो सभी इंस्टीट्यूट का लैग है, सिर्फ अपना अकेले का नहीं है, सो डोंट वरी गाइस। हाँ रिलैक्स, कंटिन्यूस बच्चे लैग लिख रहे हैं, आ जाओ। सो तो क्रेडिटर्स को ऐसा दिख रहा है कि कैपिटल स्ट्रक्चर कम हो गया, कंपनी बोल रही ठीक है चिंता मत करो, मैं उस कैपिटल स्ट्रक्चर को बढ़ा देती हूं। अब उस गिरे हुए कैपिटल स्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए कितने रास्ते रे बेटा, दो। या तो कंपनी क्या करेगी, फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स, बट कौन से, अदर क्लास, जो बायबैक कर रही है सेम शेयर वापस इशू नहीं करेगी, अदर क्लास ऑफ शेयर्स, अदर क्लास ऑफ शेयर्स, इसे बढ़ जाएगा ना। और दूसरा रास्ता, दूसरा रास्ता, अगर कोई नए शेयर्स नहीं खरीद रहा है तो कंपनी अपने फ्री रिजर्व को क्या बना देगी, शेयर कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे, बाय ट्रांसफरिंग टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सीआरआर में ट्रांसफर कर देगी, सीआरआर में ट्रांसफर कर देगी, प्लीज ध्यान देना। सो मुन्ना ध्यान दे दे, सो अगर कोई कंपनी बायबैक कर रही है, मुन्ना प्लीज ध्यान देना, बेटा कभी कभार अगर लैग हुआ जैसे ऑनलाइन लाइव वाले बच्चे को तो हाँ, मतलब रेयरली ऐसी प्रॉब्लम होगी, लेकिन हम लोग उस समय लेक्चर रोकेंगे नहीं, आप लोगों को उसका लाइव के अंदर में बैकअप मिल जाएगा बेटा, है ना, चिंता मत करना। वॉइस सिंक्रोनाइज नहीं हो रहा है, हाँ थोड़ा बहुत इशू है, थोड़ा इशू चल रहा है ऐप में, और अपने नहीं पैन इंडिया सब जगह पर इशू आ रहा है बेटा, ठीक है। सो थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि लेक्चर ऑफ नहीं दे पाएंगे अभी, मेरी बात समझो, टेक्नोलॉजी के फायदे है तो कुछ नुकसान भी है, ठीक है। चलो आ जाओ, ध्यान देना। सब देखो, कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर कम कितने से हुआ यहां पे, जितना नॉमिनल वैल्यू होता, कितना नॉमिनल वैल्यू है, दस रुपए, 20 लाख रुपए, तो 20 लाख से कैपिटल स्ट्रक्चर वापस बढ़ाना है, और कैपिटल स्ट्रक्चर को फिर से बढ़ाने के दो रास्ते, या तो नए शेयर इशू करो, या तो कंपनी अपने फ्री रिजर्व को ही क्या बना देगी, कैपिटल स्ट्रक्चर, उसे कहते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व, कैसे, फ्री रिजर्व को सीआरआर में ट्रांसफर करके। अरे सर सीआरआर में ट्रांसफर करना, ये कोई कैपिटल स्ट्रक्चर है क्या, हाँ क्योंकि सीआरआर का सिर्फ एक ही यूज है, बोलो कौन सा, वी कैन यूज द सीआरआर ओनली एंड ओनली फॉर द पर्पज ऑफ इशू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर, आज नहीं तो कल सीआरआर क्या बनने वाला है, बोनस शेयर, शेयर कैपिटल, मतलब सीआरआर इज एज गुड एज कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी, यस और नो, क्लियर है। तो देखो ये सीआरआर में ट्रांसफर कर दिया, और अगर यहां पे प्रीमियम ऑन बायबैक होता तो ये जो लॉस हो गया एक टाइप से, इस लॉस को सेट अप करने के अगेन दो रास्ते, या तो फ्री रिजर्व से, या तो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज प्रीमियम से, क्या एंट्री रहती, फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक, बट इस केस में प्रीमियम ऑन बायबैक है ही नहीं। बच्चों, जो बच्चों को लाइव वाले बच्चों को तकलीफ आ रही है, चिंता मत करो, हो जाएगा क्लियर। नो बेटा, जूम पे नहीं ले पेंगे, जूम पे लिया तो लेक्चर लीक होते हैं, जूम पे नहीं ले सकते। चल आ जाओ, ध्यान देना। सो देखो ये वाली एंट्री रहेगी प्रीमियम ऑन बायबैक के लॉस को सेट ऑफ करने के लिए, मैं वन बाय वन अब एक एंट्री बताता हूं, मुन्ना प्लीज ध्यान देना। चलो बोलो, तो पहली एंट्री बायबैक कर रही है कंपनी, बायबैक कर रही है तो इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ेगा या कम होगा, कम होगा, रुको, इक्विटी शेयर कैपिटल, कैपिटल कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस बढ़ता है तो क्रेडिट करो, कम हुआ तो डेबिट करो, बढ़ना का मतलब समझेगा ट्रांजेक्शन से, ट्रांजेक्शन है बायबैक का। सो देखो मैं लिख देता हूं इक्विटी शेयर कैपिटल,
अकाउंट विल बी डेबिटेड टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट 20 लाख कैंसलेशन ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल एंड